हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीथिंग इज ग्रेट। और आज बात करेंगे एटोम क्रिएटिन सप्लीमेंट की, मोनोहाइड्रेट है। इसके बारे में बात करेंगे, इसको कैसे लेना है, कब लेना है, क्यों नहीं लेना, और जिम से पहले लेना है या जिम के बाद लेना है, या फिर आपके इससे बाल झड़ते कि नहीं झड़ते, सब बारे बात करेंगे। और मैंने 15 दिन इसे इस्तेमाल किया तो मेरे इसमें क्या क्या फ़र्क दिखा। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मैंने इसको क्यों लिया था और ये क्यों मुझे यही पसंद आया, तो क्रिएटिन एटोम का जो है प्रोडक्ट, इसमें मतलब आपको फ्लेवर अच्छे मिलेंगे। मतलब जैसे मैंने तो कॉफ़ी फ्यूजन ऑर्डर किया था, आपको और भी मतलब 7-8 तरह के फ्लेवर्स मिल जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि मतलब आपकी बॉडी में क्रिएटिन होता ही है पहले से, लेकिन जब आप ये लोगे वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद, तो क्रिएटिन की मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी बॉडी में, और आप वर्कआउट अच्छे तरह से करोगे और आपकी बॉडी पंप रहेगी। और अगर मैं इसके फ़ायदे बताऊँ तो ये नहीं कि मेरी बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा पंप हो गया, या फिर मैं मतलब बोलूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब इतना नहीं है। लेकिन हाँ, बॉडी मेरी पंप रहती है, लेकिन उतना नहीं कि मतलब मैं बॉडी बिल्डर वाला टाइप का बन गया या फिर वैसे। अब तो मेरा मतलब वेट पूरा लूज हो गया, अब तो कटिंग पे स्टेट पे चल रहा हूँ। तो उस हिसाब से क्रिएटिन मतलब बहुत बढ़िया है। अगर आप वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज मतलब जिम एक दो या तीन चार साल से कर रहे हो, तो आप ज़रूर लें क्रिएटिन और प्रोटीन भी लें। और बात करते हैं इसके बारे में, और अगर क्वेश्चन मैंने देख रखे थे क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, मतलब एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। मैंने लास्ट डाली थी इंडिया गेट की जब गया था यार। एक शर्ट वैसे ये ब्लू है, ब्लैक नहीं है, लग रही है ब्लैक है। थोड़ा पीछे उठाता हूँ मैं, और ठीक है। तो मैं बात करूँगा इसको कैसे लेते हैं क्रिएटिन को। सबसे पहले ये आप पे दो चीज़ों पर डिपेंड है कि आप पहले लोगे वर्कआउट से या बाद में लेंगे। बाद में लोगे तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, और अगर आप पहले लोगे तो आपको इससे वर्कआउट से पहले 15 मिनट पहले लेना पड़ेगा। जैसे आप केला खा रहे हो या फिर कोई फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, आप अपने डाइट के साथ ले सकते हैं। और 15 डे के बाद मुझे क्या क्या फील हुआ मैं आपको बताता हूँ। 15 डेज के बाद मुझे ये फील हुआ कि मैं 1-2 रैप ज़्यादा लगा पा रहा हूँ, और मैं थकता नहीं जिम में। जब मैं जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा तो मैं ज़रा सा भी थक नहीं रहूँगा। और एक तरह बाल पता नहीं संजय दत्त नहीं क्या नाम है, सलमान खान जैसे हो गए हैं। हमने किया है तो आपकी बॉडी पंप रहेगी और आप थकोगे नहीं, ठीक है। और मतलब आपको रिकवरी जल्दी अच्छी तरीके से करेगा ये। यार तो मेरी कटिंग की वजह से मेरे को थोड़ी बॉडी अलग ही है शेप। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्रिएटिन के मेथड जैसे मतलब आपके हेयर फॉल होंगे, तो मेरे तो कोई हेयर फॉल नहीं हुए अभी तक, 15 दिन से ज़्यादा ही हो गया मेरे को। तो अगर आपके बाल पहले से झड़ रहे हो तो आप क्रिएटिन ना लें। आपको डॉक्टर से रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि मैं क्रिएटिन लूँ या ना लूँ, पहले आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तब जब तक वो हाँ या ना करे तब तक हम ले नहीं सकते। और डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है क्रिएटिन लेने से, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम उनको होती है जिनका पेट पहले से ख़राब है। मेरा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। तो आप ले सकते हैं सेफली। और हाँ, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये 100 ग्राम्स है, 200 ग्राम्स वाला भी है, और 300 का मंगवा दें, 300 का दूसरा होगा। क्रिएटिन, हाँ क्रिएटिन को मतलब कितने मंथ्स लेना चाहिए, तो क्रिएटिन आप पे डिपेंड है। आप पूरे साल भी ले सकते हैं, लेकिन एक हफ्ता गैप जरूर देना आप क्रिएटिन में। जब भी लोगे 3 महीने के बाद एक हफ्ता गैप देना, उसके बाद फिर लेना, क्योंकि मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, कि ज़्यादा चीज़ों को अगर हम चीज़ करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यही था इसके बारे में। और मैं जैसे छोड़ूँगा आप ज़रूर लें इसको। इसके 2 प्रोडक्ट हैं एसिटीज नाम के, और मेरे को तो ये पसंद था क्योंकि सब ले रहे थे मतलब, तो उस हिसाब से मुड़ को लेगा। और इसके बारे में बताऊँ आपको कैसे लेना है, तो ये आपको सिर्फ एक स्कूप लेना है, मतलब 5 मिनट भिगोगे उसके बाद आपका काम हो जाएगा और आप वर्कआउट करना। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरी रील जरूर देखो यार, मेरे रील्स इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, मतलब हर एक दिन में रात में सुबह रील्स जाता हूँ, लेकिन 1-0 भी आता है तो मेरे को मतलब बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन तब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आगे और भी डरते रहिए। थैंक यू।